त जॾहिं बि सियासी तहरीकूं जनमु ॾियनि थियूं जनम थियनि वठनि थियूं ऐं हिकिड़ो मरलो तब्दीली जो शुरू थिए थो त माण्हुनि में हिकिड़ी मालूमात जी जेका आहे हिकिड़ी उञ पैदा थिए थी त असा, असां जेकॾहिं सिंध में साफ़ जो जाइज़ो वठूं त असांखे नज़र अचे थो त जॾहिं सिविल नाफ़रमानी जॾहिं गांधी सिविल नाफ़रमानी वारी तहरीक शुरू कई बंबई खां सिंध जी अललीदगी वारो मामिलो हलियो उन दौरान ख़िलाफ़त तहरीक बि जनमु त हिकिड़ी सिंधी मीडिआ जेको आहे उन जनमु वरितो ऐं हुन पंहिंजे मिज़ाज में इब्तिदाई पंहिंजे जनम खां वठी करे हिकिड़ी वॾी मज़ाहमती क़िस्म जी हुन जी जेका आहे उहो जनमु थियो ऐं किथे मफ़ामती रोल असांखे नज़र नथो अचे मां इहो इहा तहरीक अॻिते हलंदी रही ऐं बाद में जॾहिं बम्बई जी खां सिंध जी अललीदगी थी त असां वटि शासत जेका आहे ऐं पोइ सहाफ़त बि ॿिनि हिसनि में जेका विरिहायल नज़र अचे थी हिकिड़ी प्रो कांग्रेस आहे हिकिड़ो प्रो, प्रो मुस्लिम आहे सहाफ़त बि असांखे अहिड़ी रीति नज़र आई बाद में जॾहिं पाकिस्तान जो क़यामु थिए थो त पैमाने ते जेका आहे नक़ुल मकानी थिए थी माण्हू लॾे वञनि था ऐं सिंध जे शहरनि मां जेको असांजो मिडिल क्लास आहे वॾे तइदाद में हिंदू कम्यूनिटी ऐं सिख कम्यूनिटी हली थी वञे ऐं असांजा इदारा जेके आहिनि उहे जो शिकार थियनि था अदब ऐं सहाफ़त बि उनजे असर में अचे थी बाद जी सूरत हाल में असां था त बाद में जेका माइग्रेशन जे थिए थी त वॾे पैमाने ते हुतां खां बि माण्हू था नए मीडिआ जो जेको फोकस आहे उहो आहे हिकिड़ो क़ौमी सोच ऐं मुल्की मफ़ादा वारो हिकिड़ी सोच अचे थी जेका हुन नए मुल्क खे पाण बि गॾु वठी हलण जी कोशिशि करे थी ऐं हिते जेका स, सिंधी सहाफ़त आहे रंग में मौजूदु हुजे थी ईअं ई मामिलो अॻिते हले थो वरी पोइ मार्शल अचे थी मार्शल खां सिंधी सहाफ़त जेका कराची मां लॾे हैदराबाद हली थी वञे ऐं उहा ओसि अचे जो है जुल्फा अली भुट्टो की हुकूमत न अचे हिलाल पाकिस्तान वापस अची कराची में पाँ पेर खोड़े थी तो यो जो सिंधी सहाफत सियासत गरोंग गर सफ़र करी रही है आ मज़र साहब मौजूदन न साहब मैंने पिछले दिनों कुछ अखबार देखे सेवेंटीज़ के एटीज़ के आ, उसमें मुझे ये नज़र आया कि उन दिनों में जो हमारा उर्दू मीडिया है जंग है या दूसरा मीडिया है उसमें सिंधी अदब के भी एडिशन हैं सिंधी कल्चर के भी हैं और मुकम्मल तौर पर जो एक रिपोर्टिंग हो रही है पूरे सिंध की उसमें ख़वात की जदोजहद हो अदबी तंजीमें हों सब का एक जिक्र आता है तो फिर आगे चल कर ये क्या हुआ क्या समाजी तब्दीली आई सियासी तब्दीली आई या बिज़नेस प्लान तब्दील हो गए कि उसके बाद से ला तल्लक हो गई उर्दू मीडिया देखिए बहुत अहम मौजू है और इस पर आने से पहले आज से कोई चंद माह पहले सईद गनी साहब से वजीरा सिंध से मैंने ये कहा था कि सिंध को बहुत ज़रूरत है सिंध म्यूजियम की कि जहाँ न्यूज़ की आर्काइव्स जमा हों इसलिए कि हमारे नए नौजवानों को ये पता ही नहीं कि सिंधी अखबार उर्दू अखबार जिस तरह आपने कहा कि अब अगर कोई स्टूडेंट उसको सर्च करने जाए तो किधर जाए तो जिस तरह वाशिंगटन में एक म्यूज़ियम है वहाँ आपको सौ डेढ़ सौ साल पुरानी तारीख मिल जाएगी अखबार मिल जाएंगे उस ज़माने के जो लोग थे उनके उनके ऑडियो आपको मैसेज मिल जाएंगे तो मैंने कहा यह बहुत ज़रूरत है कि उस जमाने में अखबार की जो ग्रोथ हुई वो कैसे हुई तो वजीर अल इस बात को माना भी बजट भी सेंकशन हो गया अब होपफुली अगर वो न्यूज़ियम का काम शुरू होता है तो वो बहुत नए स्टूडेंट्स के लिए जर्नलिज़म के बहुत ज़रूरी है देखिए जो आपने बात की उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ओवर द ईयर्स जो स्ट्रगल हुई और सिंधी अखबारात की जो ग्रोथ हुई है उसको जानने की बहुत ज़रूरत है हम उसका हमारी स्ट्रगल में हमेशा से अवल तो हमारे यहाँ ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कभी भी ये सोच ही नहीं रही कि चीज़ों को मीडिया को डिवाइड होके देखें तो स्ट्रगल के सब साथ ही रहे लेकिन जो तब्दीली मैंने सिंधी अखबार में और सिंधी सहाफत में 83 की एम की मूवमेंट के बाद देखी उसने पूरे सिंध के सिंध में शूर उजागर करने में बड़ा अहम किरदार की अदा किया और अगर आप देखें कि उस उसके बाद जो चैलेंजेस उर्दू अखबार को सामने करने पड़े उसमें बहुत से अच्छे मॉडल हैं। मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि काविश अखबार है काविश ने पूरा एक ट्रेंड चेंज किया और ट्रेंड ऐसे नहीं चेंज किया उन्होंने उन्होंने पूरी एक रिसर्च की कि कौन से अखबार किस वक्त में किस वक्त किस गांव में पहुंचते हैं और उन्होंने फिर अपने हॉकर्स की टीम बनाई और अगर कोई अखबार सात बजे पहुंचता था तो काविश छः बजे पहुंच गया इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा चैलेंज बन के आए जंग जंग अखबार क्योंकि सबसे बड़ा अखबार था उसके लिए कि एक वक्त ऐसा आया कि उसकी सर्कुलेशन जो है जंग से ज़्यादा हो गई इसी तरह दूसरे अखबार है हम हमारा ताल्लुक़ क्योंकि ट्रेड यूनियन से था तो जो चीज़ हम लड़ते रहे और जिस चीज़ का मुझे आज भी अफसोस है कि हमारे बहुत से वो प्रोग्रेसिव लोग जिन्होंने एम आर डी की तहरीक में या जनरल जयालक के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में अमली तौर पर गिरफ़्तारियाँ दी जेल गए वो जब अखबार के मालिक बने तो उन अखबार में ट्रेड यूनियन को फरोग नहीं दिया गया ट्रेड यूनियन के क्याम का आप देख लें सिवाए हिले पाकिस्तान में कोई भी सिंधी अखबार ऐसा नहीं है जिसमें यूनियन हो और यूनियन एंटी यूनियन अप्रोच हमने बरसात अखबार में यूनियन बनाने की कोशिश की वहाँ से लोग निकाल दिए गए जब हमने हिलाल पाकिस्तान को हमने दस साल वर्कर्स ने चलाया और अगर हमें सपोर्ट मिलती उस उस, उस पर फाइनेंशियल तो हम उसको चलाते रहते लेकिन वो एक, एक बड़ा अच्छा तजुर्बा था हिलाल पाकिस्तान का कि दस साल तक वर्कर्स ने चलाया उसको जब वो बंद कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि वर्कर्स चला के आपको दिखाएंगे और हमने चला के दिखाया उसके बाद ज़ाहिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई तो उसकी वजह से इसी तरीके से चैनल्स में अब आप देखें मैं चैलेंज करता हूं मैं दावा नहीं करता लेकिन ये चैलेंज करता हूं और यहां बहुत से जर्नलिस्ट बैठे होंगे कोई एक सिंधी जर्नलिस्ट को के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होगी कोई ग्रेजुएटी नहीं होगी क्यों नहीं अगर आपका अखबार ग्रो कर रहा है उसकी सर्कुलेशन ग्रो कर रही है आपके अपना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको उसको वर्कर्स तक क्यों नहीं ट्रांसलेट किया जाता आप जाके अखबार के हाल तो देखें उनके दफातर तो देखें आप और ये लड़ाई सिंधी उर्दू अंग्रेजी नहीं है, ये ओवरऑल अब लड़ाई बढ़ गई है लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि जो लोग इस तहरीक के नतीजे में उन्होंने एक सियासी शौर लोगों को दिया उनके अपने दफातर के हाल क्यों नहीं बेहतर हैं? क्या मांगते हम वर्कर्स को उसका ना मांगते हैं क्या हम रूल ऑफ लॉ की खराब बात करते हैं इश्तहार उठा लें आप।, आप उठा लें एक ऐसे वक्त भी आया था कि इबरत के इश्तहार जो है वो जंग से ज़्यादा थे ऐसे आप उठा ले मैं तो मैं तो कह रहा हूँ मैं तो तहकीक़त कर लें सही वो चीज़ ट्रांसलेट क्यों नहीं होती वर्कर्स में क्यों आप आप जो है वर्कर्स को चाहे वो ख़ुत वर्कर्स हों मर्द वर्कर्स हों वर्किंग कंडीशन अगर बेहतर नहीं होगी अगर आपके पास सोल्जर्स नहीं होंगे तो आप वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे सिंध के हकूक़ के लिए ये सबसे बड़ा मसला है और मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को सिंधी अखबार को उर्दू अखबार को अंग्रेजी अखबार को रियलाइज़ करना चाहिए कि यूनियन जो हैं वो आपकी फोर्स होती हैं जब जब अखबार पे अटैक होता है कोई भी अखबार हो तो आगे कौन खड़ा होता है वर्कर खड़ा होता है कभी गोली चलती है तो किसके सीने पे लगती है वर्कर के सीने पे लगती है आप देख लें कि सिंध में सिंध में जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं किसी एक अखबार ने लुक आफ्टर किया उनके वर्कर उनकी फैमिली को तो यह जब तक आप नहीं करेंगे तो वो जर्नलिस्ट जो ग्रोथ है जो आज आज सिंध के अंदर हो रही है जर्नलिज्म की वो लोग वो क्या करेंगे या तो वो करप्शन की तरफ जाएंगे या वो इंतजार करेंगे कि उनको महीने की सैलरी कितने महीनों बाद मिलती है सही तो मैंने के बहुत गहराई से इस चीज़ को देखा है तो मुझे इसलिए ज्यादा अफसोस होता है बाकी कोई बड़ा मालिक है उससे मुझे वो नहीं है ठीक है लेकिन जिन लोगों ने इस स्ट्रगल स्ट्रगल का हिस्सा लिए जब उनके पास इख्तियार आया तो बदकिसमती से उन्होंने उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया उसको सही मज़ा साहब इस पर वर्किंग कंडीशंस पे भी बात यकीनन करेंगे आ, मगर यहाँ पर मैं इतने रजाक सरोई साहब का ये पुछ चाहि तो ये कि सिंधी मीडिया डिसाइड किया जो जो न्यूज एजेंडा है जो पाकिस्तान के पान के नैशनल मीडिया चे तो उनका डिफरेंट है उनका नजर आयो त तो ज़रूरी न आहे त जेका जंग में डॉन में या नेशन में या द न्यूज़ में लीड हुजे उहा सिंधी अख़बारनि जी लीड हुजे हिकिड़े वॾे अर्से ताईं त इहो कीअं जेको सिंधी मीडिया पाण खे हुन खां अलॻि कयो सिंधी मीडिया ॿी मीडिया खां मुख़्तलिफ़ छो आहे हिन खे जेकॾहिं असां इन अख़बारुनि जे कारोबार खे या ख़ुदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे कारोबार खे ॾिसूं त इहो हिकिड़ो कारोबार त आहे कारोबार जो है वो पे कस्टमर से ऑडियंसल हों वर्स बदल होंदे रीडर से बदल हों असू था सिंधी मीडिया जहां इशूज है जो मदर साहब बुधाएं तो वो तो असर वर्किंग कंडीशन्स इदारूक उन्धी इदारा हुआ उर्दू इदारा हुवाले सही सा, बुधा पे यूनियन छो ना वो अलग बहस है पर तव्हांजो जेको बुनियादी पहिरियों सुवाल बि हुयो त ख़ुदि हिकिड़े अरसे ताईं अंग्रेजी या स जेके उर्दू अख़बारूं बि हुयूं उन अरसे में सिंध जे इशूज़ खे जनरली उहे कवर कंदियूं हुयूं इविन जंहिंखे हाणे अंदरुनी सिंध पिया चवनि उन अंदरुनी सिंध जे इशूज़ खे बि उहे पंहिंजी पंहिंजे सुफ़नि में जाए ॾींदा हुआ उन्हनि में पेजिस निकिरंदा हुआ औरतुनि जा सुफ़ा निकिरंदा हुआ अदबी सुफ़ा निकिरंदा उन्हनि में उन्हनि जी कवरेज हूंदी हुई जार् पर पोइ हिकिड़ो अर्सो आयो इहो असांजो पॉलिटिकल जेका सॼी सूरत हाल ठही उन में इहो डिवीज़न थियो ऐं जॾहिं डिवीज़न इहो थियो त उनखां पोइ जेको ऑडियंस आहे तव्हां ॾिसो त जंग कंहिं ज़माने में तमामु वॾी अख़बार हूंदी ऐं उहा तव्हांखे ॿियनि रुगो कराची में न पर ॿियनि इलाइक़नि में ॿियनि ज़िलनि में ॿियनि ॿियनि हंधनि ते बि उन्हनि जी तमामु वॾी सर्कुलेशन हूंदी पर पोइ सिंध जे इशूज़ खे जॾहिं उन मीडिया नज़र करणु शुरू कयो ऐं सिंध जे इशूज़ खे हुननि पंहिंजे सुफ़न में कवरेज न ॾिनी त पोइ इहो अल्टीमेटली ईअं ई थियणो हुयो त हुननि सिंधी मीडिया उन्हनि इशूज़ खे छो छो उहे त हूअं बि खणंदा हुआ पर पोइ उन्हनि वधीक महसूसु कयो त उन्हनि इशूज़ खे वधीक हाईलाइट कजे ऐं जॾहिं उन्हनि उनखे हाईलाइट कयो त हुननि माण्हुनि हुननि जे रीडर्स ऐं हुननि जे व्यूअर्स उन्हनि उनखे ओन करणु शुरू कयो ऐं उनसां मुहबत करणु शुरू कई उनसां प्यारु करणु शुरू कयो त मां सम्झा थो हिन वक़्तु ज़्य। जेको सिंधी मीडिया आहे उहो इहो मां चई सघां थो त असां बींग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अ कराची के भी इशूज के तमाम घो कवर क्यों एज कंपेर टू ऐसे पासे अ रवैयो है इं ना घट में घट पर इो है जरूर असट ताफ़ी शूं मतलब असो मै तो यो कारोबारी एक मामिलो है अस रीडरशिप आई अस वूअरशिप है जो ऑडियंस है वह जिन इलाक असिक कवरेज दूँ ऐं ॿियनि खे घटि ॾियूं था ऐं हुननि सां बि ईअं थी वियो आहे त हू सम्झनि था त असांजी असांखे उन्हनि इशूज़ खे कवरेज ॾियण जी ज़रूरत न आहे हुननि खे हाणे पंहिंजी मीडिया आहे उहा उन्हनि खे कवर करे थी उनजे करे काफ़ी मिसाल मौजूदु आहिनि त हिते जेकॾहिं कराचीअ जे अंदरि बि तमामु लखनि जे तइदाद में माण्हू गॾु थींदा आहिनि त उनखे सिंध उर्दू मीडिआ उअं ई कवरेज नाहे ॾे ऐं कॾहिं कॾहिं त बिल्कुलु उन्हनि खे ब्लेक बि कयो वेंदो आहे त मां सम्झा थो इहो डिवीज़न हिकिड़ो असांजो पोलिटिकल इशू आहे असांजे मुल्क जे हालतुनि सां उहे ॻंढियल आहे जॾहिं उन्हनि उनजो पाण जाइज़ो वठंदासीं त असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी सही ज़हीरु साईं वॾे अर्से खां असां ॿुधंदा त अचूं त सिंधी मीडिआ टंडे बाहल जो के ज़बरदस्त तरीक़े सां विढ़ियो जॾहिं ॿारहं ॻोठाणनि खे फ़ौजी ऑपरेशन दौरान धाड़ियल करार ॾेई मारियो वियो उनखां पोइ कालाबाग डैम जो इशू आहे थल केनाल जो इशू आहे जज़ीरनि जो इशू आहे हिकिड़ी वॾी तारीख़ नज़र थी अचे मज़ाहिमत जी ऐं सभु कुझु ऐं हुन में तव्हां पाण हिकिड़ी सत ते अची इस्तीफ़ा ॾिना कालाबाग डैम जे इशू ते पोइ छा कारण थियो जो, जो बहिरिया वारे ते सिंधी मीडिया गोॾा खोड़े छॾियां गाॾी असांजी त सिंधी मीडिया जो रोल जेको आहे उहो अरिड़हीं सदी खां जीअं शुरू थियो आहे त उनजो रोल सदाईं साॻियो रहियो आहे मज़ाहिमती जेको आहे मुख़्तलिफ़ इशूज़ पैदा थियनि था पर इन जो मतिलबु इहो करणु सिंधी मीडिया पंहिंजो पेर पोइ ते करे वई आहे पर जेके हाणे ना तवा ताज़ा इशू थिया आहिनि पैदा पीटीआई जे हुकूमत खां पोइ उन में सिंधी मीडिया तमामु घणो कमज़ोरु थी आहे जीअं ॿी उर्दू मीडिया थी आहे अंग्रेज़ी थी आहे त उन ते जेके सैंक्शन्स लॻायूं वयूं कल्ह असांजी मुलाक़ात थी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फीडल त उन मैडम खे मूं इहो चयो त जेका पीटीआई हुकूमत अचण खां पोइ महसूसु थी रहियो त ॼणु सॼी हुकूमत आई जेको आहे उहो मीडिया खे कंट्रोल करण जे लाइ आहे ऐं कमज़ोर करण जे लाइ आहे उन में पी डी आई जेका पी आई डी हुई उनखे घणो इस्तेमालु कयो वियो ऐं बदकिस्मती इहा आई त शुरूआती ॾींहंनि में जेका असांजो जे सिंधी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आहे उहो बि उनजे डिक्टेशन ते हलणु शुरू कयो उन ख़ासि तौर ते डिक्लेरेशन कैंसिल करणु ॿियूं ॻाल्हियूं इलाही जेको आहे त उनजे बावजूदि बि सिंधी मीडिआ जेको आहे पंहिंजो पाण खे जेको आहे सर्वाइव कयो आहे ऐं पंहिंजा पेर पुख्ता रखिया आहिनि इ वक् भी सिंधी मीडिया वो रोल तो तो है ठो होंद तो केत वफाक हुकूमत मत सिंधी मीडिया के आउट कर छी अन कल भी सैकेंड इन्फॉर्मेशन इंज रीजनल कोटा हुई इवन मुशरफ मुशरफ के दौर में ज्याल हक के दौर में उन्होंने अमल कराए जो परा मौजूदा हुकूमत है उन में रीजनल कोटा उन्होंने खत्म कर छी जैसे कर इश्तिहार जो असोनो अद हिस्सो सिंधी मीडिया खत्म थी वह उन कागज़ जो है वो रोज़ी रो केतरे मत तेजी से एक तो डॉलर के चलो समझ में गाल अचे थी जो बी जी क़मतूँ वन थी उथराधू आन जैसे करागज़ कार्केट में शार्टी तो वे तक सारी मीडिया है उर्दू अंग्रेजी या सिंधी मीडिया मीडिया थी कोई रोल ना ये हकीकत है, है। तो सिंध में है। जो पॉलराइजेशन है उनके उर्दू मीडिया सिंधी मीडिया जो एक रोल आवल प्ले क्या पर सधी मीडिया में यो है त कराची जे मसइलनि खे बि उहा खणे थी जिते बि को ज़ुल्म थिए थो जाती थिए थी सिर्फ़ु सॼी सॼी सिंध जे मसइलनि खे असां खणूं था पर उर्दू मीडिया छा थी करे त सिर्फ़ु कराची ते महदूद थी वई आहे उनजो नतीजो इहो निकितो आहे त उर्दू मीडिया जेका बि आहे उहा कराची ते अची वई आहे सर्कुलेशन सॼी सिंध मां हुनजी ग़ाइबु थी वई आहे हिन वक़्तु का बि जंग समेत का बि वॾी अख़बार सिंध जे अंदरि इलाइक़नि में मौजूदु कोन्हे कंहिं बि ॿारनि इलाइक़नि में उते हिन जा निमाईंदा आहिनि पर उनजो ख़बरूं बि कोन था हलाइनि जेको आहे सिंधी मीडिया यो है सिंधी मीडिया पूरी सिंध की नुमाइंदगी इवन कराची में ना वो मसलो थे तो असर उन्को भी कवरेज दूं था जो है बाकी जनरल जी मदर साहब या यूनियन की या बि मसल जो पगारों ज इवन जो है असें बेज बोर्ड अवार्ड जहा वो सारी मीडिया जहाँ सा ही मसला पर जैस सिंधी मीडिया जो जो पैरों मजामेते रोल रो अज भी सागो ही सभी इशूज के असं कवर क्यों था क्या जी हम फर्ज़ क्यों कलाबाग डैम जो इशू हो

पर डान खां बि असांखे हिकिड़ी शिकायत आहे उहा इहा आहे त डान पंहिंजे फ्रंट पेज ते सिंध जे इशूज़ खे नथी खणी अचे ऐं जिओ खां बि शिकायत आहे त जेके सिंध जा वॾा इशूज़ आहिनि उनखे फ्रंट जेका जी मेजर ट्रांसमिशन आहे उन में जॻह नथा ॾियनि ऐं उनखे ईअं हिकिड़ो नंढिड़ो टेलर करे ॾेखारनि था बसि टीज़र नंढिड़ो करे बाक़ी जेको आहे उनजे मेन जेके आहिनि प्राइम टाइम्स आहिनि उन्हनि था ॾेखारनि इन मां जेको वसी आहे ॾिसो जॾहिं बि उर्दू मीडिया जो या कराची जो मसिलो पैदा थिए थो या उर्दू साफ़नि सां मसलो पैदा थिए थो असां सिंधी सहाफ़ सां गॾु बि हूंदा असांजा सहाफ़ ई आहिनि बाक़ी इदारनि डिवीज़न पैदा कई आहे उहा उनखे ख़तमु करणु घुरिजे ऐं सिंध जा जेके मसइला आहिनि उहे यूनाइटली सभिनी खे हिकु जहिड़ा खणणु घुरिजनि ऐं सिंध इन्फॉर्मेशन ख़ासि तौर ते मां इहो चवंदुसि त जेकॾहिं सिंधी अख़बारूं ऐं उर्दू ऐं अंग्रेज़ी मीडिया मीडिया हिन वक़्तु ज़िंदा आहे त उहो सिंध में पीपुल्स पार्टी जे हुकूमत जे करे इहो इन करे कोन थो चवां छो त प्रैक्टिकल इहा ॻाल्हि आहे जेके लाहौर जूं अख़बारूं हुयूं पिशावर जूं हुयूं इस्लामाबाद जूं हुयूं जॾहिं पीटीआई जे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन्स लागू कयूं तमामु घणियूं पीआईटी में त उन्हनि बि अचे सिंध में पनाह वरती आहे ऐं सभिनी खे सिंध उहो वाहि वा सूबो आहे जितां रिकार्ड सभिनी अख़बारुनि खे इश्तिहार मिलनि था उहे भले कश्मीर जी आहे किथां जी बि आहे उनखे इश्तिहार मिलनि था जंहिंजे करे उहे अख़बारूं हलनि थियूं सर्वाइव कनि थियूं जेकॾहिं सिंधु हुकूमत एतिरी जेको आहे पॉलिसी फोरफिलिंग न करे आहे ऐं उन असीस न ॾे हा त शायदि अदरों बंद थी वजह ना सही धनी साहब हाँ जाम साक जो दौर हो होशरफ जो दौर हो जनरल जिया आमरियत हो सिंधी मीडिया हमेशा नजर इन्द्र त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गड है खास तौर से अपोजिशन वाले ढीन में सिंधी मीडिया के यो योजो शिको शिकायत है त पीपल्स पार्टी हिनखे फार ग्रांटिड वठंदी आहे उहो सम्झंदी आहे त ॼण सिंधी मीडिया हारी आहे त तव्हां छा चवंदो हिन ते सम्झां थो त ईअं जेको तासुरु आहे या प्रसेप्शन ठही वियो आहे इहो कोन्हे पीपल्स पाटी ज़ाहिर हींअर सिंध में स्ट्रॉन्ग आहे ऐं असांजी बेस आहे त इहो थी कोन थो सघे त सिंध में जंहिं मीडिया जो रोल हुजे जेका इफेक्टिव हुजे उनखे असां कॾहिं तवजो न ॾियूं इहो पॉसिबल ई कोन्हे मतिलबु को सफ़ा को बेवकूफ़ हुजे त ॿी ॻाल्हि आहे पर सम्झां थो असां हितां बेवकूफ़ आहियूं कोन वजह हुनजी इहा आहे ऐं हर ॻाल्हि हर जाइ ते चवंदो आहियां जिते मूंखे मौक़ो मिलंदो मीडिया ते ॻाल्हाईंदो आहियां त हिन मुल्क में जिते बि रीजनल तव्हांजा अख़बार हुजनि या टी वी चैनल हुजनि सिंधी अख़बार ऐं सिंधी चैनल्स हुननि ॿियनि सभिनीनि रिजनल लैंग्वेजिस में जेके बि हलनि था अख़बार जा चैनल उहे वधीक स्ट्रॉंग आहिनि बिल्कुलु स्ट्रॉंग आहे इन्हनि जी क्वालिटी बहितरु हूंदी आहे हुननि में जेके आर्टिकल लिखिया वेंदा आहिनि उन में कुझु सब्स्टेंस हूंदो आहे ऐं उर्दू अख़बार शायदि ॿ टे अहिड़ा हूंदा जंहिंमें कुझु सुठा लिखण वारा वार आहिनि ज़रूरु पर सिंधी अख़बारनि में तव्हांखे माण्हू इहा नंबर जेको आहे वधीक शायदि मिलंदो ऐं हुनजो इम्पैक्ट आहे जेकॾहिं असांजी पॉलिटिकल बेस सिंध आहे ऐं माण्हू जी हिकिड़ी साइकी आहे जेको साईं असां जे तव्हां मीडिया जा माण्हू आहियो आऊं त कोन आहियां वधीक सम्झंदो हूंदो त माण्हू चाहिनि था त असांखे जेका असांजे इर्द गिर्द जी सूरत हाल आहे ख़बर पए जेकॾहिं माण्हू सकड़नि वारो माण्हू नवाबशाह वारो माण्हू मटिया वारो माण्हू जंग नथो पढ़े इन करे जो उन्हनि अख़बारनि में सकड़नि जी मटिया जी नवाबशाह जी ख़बर घटि जेको अख़बारु उते जी ख़बरूं ॾींदो उहो ई अख़बार मटिआरी में सकरनि में नवाबशाह में वधीक पढ़ियो वेंदो इहो त ह्यूमन साइकी न ॿियो त कुझु कोन्हे पोयां जेकॾहिं सुभाणे खां जंग शुरू करे छॾियो न सिर्फ़ु सखर जी ख़बरूं ॾियणु तव्हां ॾिसिजो त सखर में सभिनीनि खां वधीक जंग पढ़ियो वेंदो इन करे हुनखे ख़बर मिलंदी माण्हू खे सिंध में असांखे अहसासु आहे त सिंधी मीडिया जी हिकिड़ी हिस्ट्री आहे ऐं जेको तव्हां ॿुधायो त हिकिड़ो मज़ामती रोल हुनजो रहियो आहे जेको अॼु बि आहे कडें कडें अ तकलीफ पुचे थी पर को तो ये मीडिया मरी वज खत्म थी वजे यो मजामती रोल रह तो उनको फायदे जमूरी कुतूँ आन जी सियासी वर्कर आन जी असल अहसास होंगी है केंशरे जैमें तंज जुडिशरी आज़ाद होाफत आजाद होते तजाद हो आजाद मीडिया जरूरी है। आई सिंधी मीडिया में यह सलाहियत ताकत है त ॾुखे खां ॾुखे वक़्त में भई आज़ादु रहिया आहिनि ऐं इहो उमेदु आहे त आईंदा बि हूंदा ॿी जेका शइ शायदि असां मिस करे वियासीं त ॻाल्हि कोन्ह थी जेके हालात चेंज थिया न जेका सिचुएशन चेंज थी आहे दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी अची वई आहे हिकिड़ो वक़्तु हो त माण्हू डिपेंड कंदा अख़बारनि ते टोटली उनखां पोइ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अची <laughs> वियो उन ते थी वियासीं हाणे वरी जेको डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया अची वियो आहे इनजे करे बि तौर અહીં કુછ સાલન કા પો ટેલિવિઝન ચેનલ છે કેન જો સાગવશર થિયો જો અખબારા થે તો એયો તો પોસિબલ કોને ત અખબારાજી આજ ઉઈ સુરત આલ હોજે કે આજ કા 40 સાલ 50 સાલ પહેરી હુઈ જરે ટીવી કોન હો ટીવી ચન કા પો અખબારજી અહેમિયત થોરી ઘટી જી વઈ બિલકુલ ખતમ ન થિયો પર થોરી ઘટી જી વઈ પર હાણે જો સોશિયલ મીડિયા એ ડિજિટલ મીડિયા ચીયો ઓને કરે અખબાર ભી ऐं तव्हांजा टी वी चैनल्स बि मुतासिरु थियनि पिया थी। ऐं जीअं जीअं अॻिते बि त अलाए छा ख़बर कोन्हे पंजनि सालनि खां पोइ ॿियूं कहिड़ियूं शयूं अची वेंदियूं जेके शायदि टी वी खे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾीनि अख़बारनि खे सफ़ा महदूदु करे छॾीनि पर ज़रूरत इन शइ जी आहे त जेका अप्रोच आहे बेसिकली सोच आहे जेका सिंधी मीडिया जी डाइरेक्शन आहे उहा डायरेक्शन रहणु घुरिजे चाहे अख़बार जी सूरत में हुजे चाहे उहा टी वी चैनल जी सूरत में हुजे चाहे उहा डिजिटल मीडिया ते सोशल मीडिया ते कंहिं तरीक़े सां हुजे हाणे अॼु बि मां सम्झा थो त शायदि ई को अख़बार हूंदो जेको अख़बार छपजे थो जेको नथो छपजे थो ॻाल्हि ई कोन्हे जेको छपजे थो जेको पढ़ियो वञे जे थो उहो अख़बार तव्हांखे सोशल मीडिया ते मिलंदो जेको टी वी चैनल जंहिंखे माण्हू ॾिसनि था उन जी मजबूरी आहे त उहो पंहिंजो टी वी चैनल सोशल मीडिया ते माण्हू खे फराम करे ऐं माण्हू कनि था ऐं इहो शायदि वाहिद रस्तो आहे जंहिं तरीक़े सां जेको सर्वाइवल आहे प्रिंट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो असां कमु करे सघंदा पंहिंजो बाक़ी हुकूमतनि जी जेका ज़िमेदारी आहे असां हुन खे सम्झूं था हिकिड़ी शइ आहे जीअं त शायदि असांखे क्रिटिसाइज़ बि कंदा साईं जो डिक्लेशन कैंसिल थी मूंखे यादि कोन्ह थो पए का थी हुजे पर असां लिखियो ज़रूरु आहे कुझु डिक्लेशन कैंसिल करण जे लाइ इन करे तव्हांखे इंट्र्स्टिंग ॻाल्हि ॿुधायां त मूं हिकिड़ी मीटिंग कई उन मीटिंग में मूं इहो पुछो त तव्हां अख़बार चेक कंदव त कहिड़ो छपिजे त कहिड़ो कोन्ह थो छॾिजे हा साईं कंदव चेक छा तरीक़ो आहे चओ साईं इहे कापियूं जमा कराईंदा न अची ऐं उनखे ख़बर पवंदी आहे त पोइ इहो अख़बारु रेग्युलर आहे इहो जेको रेग्यूलर न आहे चलो ठीकु आहे लिस्ट ॾेखारियो लिस्ट आई त पुछो जेके तव्हां इश्तेहार ॾींदव तव्हां हुन महिल चेक कंदव त कहिड़ो अख़बारु रेग्युलर आहे या कहिड़ो न आहे असां त कोन्ह कंदाऊं <laughs> मुंहिंजो पोइ हीउ कमु करण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे <laughs> जेकॾहिं हिकिड़ो अख़बारु रेगुलर नाहे छपिजे ई ना नथो तव्हां इश्तहार हुननि खे ॾियो पिया त मतिलबु डज़ इन मैकेनिक सेंस त तव्हां वरी उनजो रिकार्ड वठो छो था वठो पोइ छॾे ॾियो उन ॾींहुं छा थियो जॾहिं मूं इहो चयो हुन ॿिए ॾींहुं उन्हनि जेके लिस्ट में अख़बार इरेगुलर आहे उन्हनि जा इश्तिहार बंदि करे छॾिया हाणे हुन में कहिड़ा कहिड़ा अख़बार आहे इबरत हुन में शामिल आहे <laughs> ॿ चारि ॿिया अख़बार आहे उन्हनि खे मूं चयो ॻाल्हि ॿुधो मूंखे ख़बर कोन्हे त कहिड़ा छपजंदा कहिड़ा कोन था छपिजनि पर घटि मां घटि इबरत त ख़बर छपिजे त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त किथे किथे इदारनि जे तरफ़ां बि कोताही थिए थी जेकॾहिं हिकिड़ो मैकेनिज़म ठहियलु आहे ग़लति आहे सही आहे उन ते बहस थी सघे थी तो भाई त अखबार रोज रोज जो तक तो जो पेपर शाया थी तीन तो कॉपी जमा करा खबर पे तो अखबार छपज पे फोर ग्रांटिड तो वो शाया ही न कराइ जमा कराइन में अच्छी वे इरेगुलर अखबार है जैसे इरेगुलर लिस्ट में इंद तो ज़ारा तक शायद को मिलो मिले तो पैर ये कुछ इशूजा अस कोशिश क्यों पे तो ठीक क्यों पर बीड़ी शायद तुम इनमें असिम की मदद कर सो तो मजोर अब्बास साहब के घरे दफा तेल्प कर तव्हां असांखे गाइड कयो त असां कीअं कयूं कम खे सॼे मुल्क में ऐं इंफॉर्मेशन जी स्टैंडिंग कमेटी जो मैंबर बि रहियोसि सेनेट में हुउसि त हिन मुल्क में जेतिरा अख़बार छपजनि था जेकॾहिं हिन मुल्क़ जी आबादीअ खे ॾिसो ॿावीह करोड़ आहे त उन हिसाब सां हर माण्हूअ खे ॿावीह करोड़ माण्हुनि में हर माण्हूअ खे टे चारि चारि अख़बार रोज़ पढ़णु घुरिजनि ॻाल्हि इहा या त पॉसिबल ई कोन्हे न जेकॾहिं ज़ाली ई माण्हू सर्टिफिकेट वठी अचनि त भई मुंहिंजी मुजा अखबार ऐसा छप्जन मुझे ऐपजन बवी करोड़ कुल आबादी है जैमें बार भी शामिल है जेमें अंधो भी शामिल है जैमें पोड़ो भी शामिल जैमें अनपढ़ भी शामिल है जे अड़ा माँ शामिल हैं जर अखबार दिखो कर उ पर जहां सर्कुलेशन है अखबार की जर ग तो वह तीन बवी करोड़ का मत या पंजा करोड़ तुती पर हाँ जैर इम हलों स्थिति को चाहूं था तो जेनवन अखबार है जेनवन चैनल हैनवन साफी आन उनट करें घुर्जे पर जेके माण्हू सहाफ़त जे नाले ते इनखे को ॿियो धंधो कन, था कनि उनखे ख़तमु करणु तव्हांजी बि ज़िमेदारी आहे असांजी ज़िमेदारी आहे उहो तव्हांखे बि ख़राबु था कनि मुआशरे खे बि ख़राबु था कनि हुकूमतनि खे बि ख़राबु था कनि जेके रिसोर्सिस आहिनि जेके जैनवनली सुठे अख़बारनि ते ख़र्चणु घुरिजनि जेके साफ़नि ते वञणु घुरिजनि उहे रिसोर्सिस शायदि मिसयूज़ बि थींदा ज़ाहिर तव्हां ॻाल्हि पई की जीअं रिसोर्सिस जी इहो तव्हां खां पुछण सां अॻु थो थिए तव्हां इहो कीअं मेकश्योर कयो था त जेको हुते वर्कर कमु करे पियो उनके प्रॉपर पगार मिले पी प्रॉपर उनके फैसिलिटीज मिलन पी उनकी कें पा तसिबत के रिपोर्ट कदे कदे पान त मुसीबत जो शिकार ना है तो उनके मेक शोर क्या था, था। इतफाक से लेबर डिपार्टमेंट मुट है यह गाल घोस्त असा कहीदारे में यो थे तो पर उन चौदह दरख्वास्त लिखी दिए अस इदारे में यो कम थे पों ताकि असें कोई एक्शन खड़ी सूँ पर शायद को लिखी दिनों हुए मू अवॉइड कह लिखी को दींदा हाँ यह अड़ी शे समझ की जरूरत है जैसे मुख्य मू चवे डिपार्टमेंट फलाने मा पैसा वरता या पैसा घुरया और उन चार लिखी तो देने खबर ते पैसा विर्फ इन खबर की बुनियाद तिलफ़ कारवाहीन तो स को मू सू बीहता तो सही जो चवे तो हम उन्होंने पैसा दिंदा तो कार्रवाई क्या उनको जेकॾहिं ईअं हवा में कंदासीं कमु न त पोइ वरी कोर्टनि में माशाला जेके फ़ैसला था अचनि उहो तव्हांखे ख़बर हूंदी हिकिड़ी मिसाल माण्हू खे ॾींदो आहियां ॿ हज़ार सोरहां में एडवाइज़र थियोसि लेबर ने। ने। के जो ई हिकिड़ो माण्हू मूं वटि आयो मूंखे चई तव्हां बसि जेको सिस्टम हले पई हलायो तव्हांखे ॿ करोड़ रुपया महीनो ॾेई ॾींदुसि छा छा ॾींदे चईं चईं बसि तव्हां कंहिंखे डिस्टब न कजो ॻाल्हि ॿुधंदो आई बि करण जी त कदुसि डिस्टब बहिरहाल उहो कमु न ठहियो हुन सां ॻाल्हि न ठही जंहिं दोस्त सां आयो हुनखे मूं चयो तो त कुझु को थो पर ट्रांसफर कंदोसीं तूं नाराज़ न थी जेको सिफारिश कर वठी आयो चई न ठीकु आहे तूं करे ट्रांसफर थियो साईं तव्हां यकीन कोन कंदव अलाए किथां कराई मूं न वञो आख़िरि में उहो साॻियो माण्हू सिंधाई कुट वियो स्टे ऑडर वठी आयो त शहीद गनी एस एडवाइज़र गवर्निंग बॉडी जी मीटिंग चए नथो करे सघे सही गनी का फाइल सही कोन थो करे सघे हाणे मूं सोचियो त ॻाल्हि ॿुधो मूं ॾोह इहो कयो जूं ॿ न वरिता जेकॾहिं ॿ कौर वठां पैसा हर महीने ऐं कोर्ट मां इहो रिस्टर्निंग ऑडर न चेहा त जेकॾहिं को माण्हू बीहे साम्हूं ऐं त बीह रहे साम्हूं हू त नौकिरी मां कढियो वञी जेको मूं करे सघियोसि कयोमसि पर जेकॾहिं जंहिंखे शिकायत आहे जेकॾहिं को कंप्लेनेंट थी करे बीहंदो न साम्हूं त कंहिं बि गवर्मेंट ऑफिसर जे लाइ या मिनिस्टर जे लाइ या इदारे जे लाइ एक्शन करण त ॾुखियो आहे मूंखे ख़बर आहे त माण्हू सां ज्यातियूं थियनि थियूं वर्करनि सां ज्यादियूं थियनि थियूं पर जेसिताईं उहो असांखे ॿुधाईंदा न लिखी यो यकीन तो रिटर्न में का अच्छी जिम्मेदारी एज एज मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर ए लेबर यो कम क्योंकि आपका ताल्लुक मेन स्ट्रीम मीडिया से इस वजह से आपकी तरफ सबकी निगाहें हैं कि क्योंकि उनसे शिकवा शिकायत ज़्यादा है कि जो मेन प्रोग्राम होते हैं जो मेन स्ट्री मीडिया करती है प्राइम टाइम पे प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में एक तासर यह है कि वो इकतदारी ईवानों कराची इस्लामाबाद और लाहौर की नुमाइंदगी करते हैं इस किस्म का नेरेटिव बयान करते हैं वहाँ पर जो बाक़ी मुल्क का हिस्सा है वो सिंध का दही इलाका हो बलूचिस्तान का इलाका हो या खैबर पख्तनख्वा हो वो उन में नज़र नहीं आता न डिबेट में नज़र आता है ना न्यूज़ कंटेंट में नज़र आता है उस वक्त तक नज़र नहीं आता जब तक कोई हादसा ना हो जाए कोई जहादी फट ना जाए या किसी सियासी मरकज़ी सियासी लीडर का कोई जलसा ना हो उसके अलावा कोई रिपोर्टिंग नहीं होती क्या उसमें अदम दिलचस्पी मालकान की है स्टाफ की है स्टाफ का फुकदान है क्या इसको बयान करेंगे देखिए एक तो ये कॉरपोरेट मीडिया कल्चर है और इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी किताब है मीडिया एम्पीरज़म इन इंडिया एंड पाकिस्तान और अगर, अगर वो किताब आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीक़े से और उसने पूरी रिसर्च करके फारूक सुलेरिया साहब है उन्होंने पूरी रिसर्च करके बताया है कि किस तरह कॉरपोरेट मीडिया ने पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया को कंट्रोल कर लिया है अब वो कॉरपोरेट कल्चर है जो जो फ़रख पा रहा है और वही उसी आप प्रोफेशनलिज्म पीछे चला जा रहा है अब वही चीज़ वो दिखाते हैं जो कॉरपोरेट में बिकता है लेकिन ये मैं आपको बता दूं अभी हमारे सारे साथी बात कर रहे थे काला बाग डैम बन जाता अगर सिंधी मीडिया नहीं होता और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमारे दोस्तों को याद होगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद ख़ास तौर पर यहाँ आए थे जी क्या उन्होंने यहाँ सिंधी मीडिया के मालकान से बात की थी और उन्होंने प्रो कालाबाग डैम इश्तिहार देने से इनकार कर लेने से इनकार कर दिया था और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें वो पूरा उस कल्चर को तब्दील करना चाहते थे कि कोई कोई कैम्पेन बिल्ड की जाए इस तरह की तो उनसे उस पूरे उस, आप देख लेना पाकिस्तान में उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ज़बान में कोई मीडिया स्ट्रांग है तो वो सिंधी मीडिया है हमारे हुसैन नकी साहब ने भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाबी ज़बान का एक अखबार निकालने की लाहौर से कोशिश की और हम तो चाहते हैं कि दूसरी ज़बानों में अखबार आए मीडिया फ़रग पाए लेकिन एक तो उस अखबार पर पाबंदी भी लग गई फिर उधर उनकी वो सर्कुलेशन वो नहीं हुई तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरी जबानों में मीडिया फ़रग पाए ग्रो करे जिस तरह सिंधी मीडिया ने उर्दू मीडिया को चैलेंज किया ना आखिर और उर्दू मीडिया जो है हमें हमें नज़र आता है कि सिंध के अंदर जो है उर्दू मीडिया को चैलेंज का सामना है अब चैलेंज का मुकाबला आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ के इशूज़ को दें वहाँ के इशूज़ पर वो पाएँ सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं वो तो आप, आप उर्दू मीडिया में उर्दू अखबार के जो जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम दें, वो हाईलाइट नहीं होती अब मैं ये यहाँ जो गुफ्तू कर रहा हूँ उसका आधा हिस्सा कल के अखबार में नहीं होगा इसलिए कि वर्कर्स के राइट्स के लिए हम दूसरों के राइट्स के लिए फाइट करते रहते हैं अपने राइट की खबर हमारे यहाँ नहीं छपती सही सब यहाँ पे मैं रुकूंगा आपको जैसे आपने कहा कि कारपोरेट कल्चर है सारा ये तो कराची से बाहर भी लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं टेलीविज़न देखते हैं चॉकलेट खाते हैं मसाले इस्तेमाल करते हैं चावल खाते हैं और ये जो ख़वान वहाँ पे भी लॉन्च पहनती हैं ये अलक्रम वहाँ पे भी है गुल अमद भी है ये सारा कुछ तो वो वहाँ का कस्टमर तो है कंज्यूमर तो है तो कारपोरेट कल्चर वाले को ये कैसे नजर नहीं आता होगा देखिए हमारे यहाँ जो जो ख़ास तौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो रेटिंग फार्मूला है ना जो फाइनेंशियल मॉडल है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को का वो बहुत ही फॉल्टी है यानी आप देखें कि पूरा बलोचिस्तान ब्लैकआउट होता है बलूचिस्तान में कोई मीटर्स रीडिंग का वो ही नहीं है कॉन्सेप्ट ही नहीं है मीटर रीडिंग का इसका मतलब ये है कि कोई एक ख़ास पॉलिसी है कि जी बलोचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं अब बलोचिस्तान के जब आप इश्यूज़ की बात करेंगे तो आप आपको सदन कमांड की भी बात करनी पड़ेगी आपको उसकी इन्वॉलमेंट की भी बात करनी पड़ेगी आपको सीपैक की भी बात करनी पड़ेगी आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि वहाँ जो जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है वहाँ जो दे दे जो है वो कोयटा शूरा की भाई बात करनी पड़ेगी तो वो इशूज़ और इवन अदरवाइज भी वहाँ के सरदार आपके लिए रुकावट बनेंगे जिस तरह बहुत सी जगहों पे जागीरदार रुकावट बनते हैं तो मीडिया का की ग्रोथ जो है वो रोक तो नहीं सकते आप अब डिजिटल मीडिया आ गया है अब अब ये जो है ये पूरा मीडिया है लोगों के हाथ में अगर आप उनको उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं रोक रहा वो तो आ रहा है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हमारा जो मीडिया के मालकान का और वो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस मीडिया को अर्बन ओरिएंटेड रखो और वो आप देख लें कि दो बड़े सेंटर्स हैं कराची और लाहौर मीडिया के आप ज़्यादातर चैनल्स हो जाएँ अखबार हो जाएँ उनके हेडकोर्टर्स या तो कराची में हैं या आपको लाहौर में मिलेंगे इवन इस्लामाबाद में भी नहीं मिलेंगे तो ये जो एक एक इसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में पिछहत्तर साल में और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे जर्नलिस्टों की तहरीक है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट की तहरीक का आगाज़ सिंध से हुआ सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जन्म दिया पाकिस्तान फेडरली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को तो यहाँ की जो यहाँ की जो ग्रोथ है यहाँ के जो जिस तरीके से स्ट्रगल की है लोगों ने लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मालकान के रवैये हैं हमारी जो हुकूमतों और रियासतों के रवैये हैं उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिस इनफॉर्मेशन बना दिया कि आप इश्तिहार को कंट्रोल करते हैं इश्तहार के ज़रिए आप दूसरी तरीके का पैमरा क्या हो गया है डिक्लेरेशन के ज़रिए कभी डिक्लेरेशन की हथ, का हथियार होता था उसके लिए लड़ाई लड़ी फिर पैमरा से लड़ाई लड़ी तो मेरा ख्याल है मालकान इकट्ठे हो जाते हैं ये वक्त है कि हर चीज़ से बाला होके होकर सहाफ़ियों को एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की ज़रूरत है अपने हकूक़ के, के लिए हासिल करने के लिए थैंक यू जी आ, मैं यहाँ पे मालूम करना चाहूँगा तो मालूम करना चाहती हूँ रजाक सरोही साहब का पाण वॾे अर्से खां ॾिसूं सिंधी मीडिया में जेको नामनिहात घर जे नाम नाले ते क़तलु थींदा हुजनि फ्री विल मैरेजिस हुजे या नंढी उमिरि जी शादी जा मसइला हुजनि वॾे पैमाने ते उनखे उजागर कयो वञे थो पर कारण आहे त जेको सिंधी मीडिया आहे हुनमें असांखे कुझु चैनल्स ते न्यूज़ ए करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम के फीमेल्स नजर नेस्क नजर न जो रिपोर्टिंग स्टाफ से नजर न थी अचन ए फिफ़्टी परसेंट पॉपुलेशन के यही नजरअंदाज किया तो वह आिंधी मीडिया जो वो एटमोस्फियर ना है, वो कल्चर ना है, या विद इन सिंधी मीडिया पा एतरी कंजरवेटिव जो उन वट एक्सेप्टस ना है। uh, मुझे ख्याल में सिंधी मिडिया इनमें कंजरवेटिव ना है� कंज़रवेटिव नाहे ऐं रोशन ख़्यालु सिंधी मीडिया आहे औरतुनि ऐं नियाणियुनि जे लाइ उते तमामु गुंजाइश मौजूदु आहे पर तव्हां इन सां कनेक्ट कयो त यूनिवर्सिटीज़ में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में छोकिरियुनि जो रेशो केतिरो आहे इहो बि तव्हां बदकिस्मती सां छोकिरियूं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में तमामु थोरे तइदाद में आहिनि हिकिड़ी ॻाल्हि जेके मास कम्युनिकेशन में छोकिरा बि इविन आहिनि त असांजे यूनिवर्सिटीज़ में जेको स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आहे उहो एतिरो त इन मामले में पोइ ते आहे जो असां वटि जेके माण्हू इंटरव्यू ॾियणु अचनि था जेके असांखे जॉइन करणु चाहिनि था उन्हनि जे अंदरि का क्वालिटी आहे ई कोन ऐं मॉस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सवाइ थियोरिटिकल तालीम ॾियण जे प्रैक्टिकली हुननि खे का ख़बर ई न हूंदी आहे त हीउ जहान आहे कीअं करिणो छा आहे छा करिणो आहे त उन जे करे हिकिड़ो त जनरली मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स जेके आहिनि यूनिवर्सिटीस जा उहे असांखे ह्यूमन रिसोर्स एतिरो नथा ॾियनि पर उन में वरी जेको जेको छोकिरियुनि जो तइदादु आहे उहो हुअं ई अटे में लूण जे बराबरि आहे उहे हिते नथा अचनि ऐं इन खां सवाइ हिकिड़ो ॿियो सबब बि आहे उहो इहो त असांजे इदारनि जो स्ट्रक्चर आहे पेकेजिस जेके आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि ऑब्ज़र्वेशन मुताबिक़

त पोइ हिन में मास किथां अची वेंदो न मुंहिंजे मुंहिंजे चवण जो मतिलबु इहो आहे त हाणे त हीअ जीअं साईं ॿुधायो त कार्पोरेट कल्चर आहे न कार्पोरेट कल्चर जो दौरु आहे हिकिड़ो हिन में इलाही कॉम्पिटीशन आहे न हिन में असां त एक्सीडेंटली जी जीअं माण्हू आयो आहे ऐं काफ़ी वक़्त खां वठी कमु करे थो असां एक्सपीरियंस जे बुनियाद ते पिया कयूं न पर ॻाल्हि इहा त यूनिवर्सिटीज़ जो कमु छाहे तालीमी इदारनि जो कमु छा आहे त उहे माण्हू ह्यूमन रिसोर्स तव्हांखे तयारु करे ॾियनि

मीडिया में कमु करण जे लाइ छोकिरनि खे न पिया छॾनि इहो मुंहिंजो ज़ाती ऑब्ज़रवेशन आहे इलाही इलाही अहिड़ा केसेस आहिनि जिन खे मां हिते मैंशन बि करे सघां थो पर मुनासिबु नथो ख़्याल ते इन मां तव्हां ॿुधायो त बेहतमादी माण्हुनि जी आहे इहो बि आहे सही त ज़रूरु साईं मालूम करणु चाहींदुसि त अॼुकल्ह जीअं मज़र साहिब जी कई सईद गनी साहिब जी ॻाल्हि कई सोशल मीडिया जी कई माण्हुनि खे ट्विटर ते ऐं ॿियनि जाइनि जिन जेके फॉलोवर वो एतरी तादाद में जो ज चंगी भली अखबार है वो एतरी न थी छपज सही पाँ जेके जा जा नौजवान जो इशूजन वे खड़ी तन डसो ट्विटर स्पेसिस तन एशूज डे मीडिया मजबूर थी थे उन रिपोर्ट कर त ही जीअं ॻाल्हि पई थी की जेको अख़बार अॻे ई चैलेंज जो मुंहुं ॾिनो पए त वरी उनखां पोइ टेलीविज़न हाणे माण्हू ॾिसनि कोन्ह था यानि जेको इंटरनेट जे ज़रिए यूट्यूब ते जेके शयूं अचनि थियूं उहे पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾिसनि था हिन पूरे सूरत हाल में जेको सिंधी मीडिया आहे छा उनखे उनमें एतिरी क़ाबिलियत सलाहियत ऐं उन वटि उहो इक्विपमेंट आहे जो ईंदड़ हिन जेका तब्दीली जी जेका सूरत हाल आहे हुन जो खे मुंहुं ॾेई हक़ीक़त आहे जेका सोशल मीडिया इहा या डिजिटल मीडिया उनजो रोल जेको आहे उहो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐं प्रिंट मीडिया ॿिन्ही खां वधीक आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे मेन ॻाल्हि इहा त जेके असांजा अहिड़ा माण्हू जेके सहाफ़त में नथा अचनि पर उहे सोशल मीडिया ते तमामु बहितरीनु लिखनि था सिंध जे लाइ आवाम जे इशूज़ लाइ अहिड़ा इशूज़ बि डिस्कस कनि था जेके असां सरकारी क़ानूननि जे करे या पंहिंजे अख़बारुनि में डिस्कस नथा करे सघूं उन्हनि खे बि डिस्कस कनि था ऐं पूरी तरह ते उहे सभु शयूं अची वञनि थियूं पर उनजो मतिलबु इहो नाहे त डिजिटल मीडिया जे अचण खां पोइ प्रिंट मीडिया ख़तमु थी वेंदी छोकी यूरोप असां खां सौ साल पहिरियों आहे हिन वक़्तु बि न्यूयॉर्क टाइम ऐं वॉशिंगटन पोस्ट जी उहा दावा बाजा बाक़ाइदा पंहिंजी दा जाइ ते मौजूदु आहे त असां अॼु बि अमेरिका में असां चेंज में करायूं जेकर असां चाहियूं त चेंज करे सघूं

उनजो हिकिड़ो पंहिंजो रोल रहंदो पर जेके सुठियूं अख़बारूं आहिनि जिनि जी मैनेजमेंट सुठी हूंदी जिनि जा वसीला जेके बरक़रार रखंदा पाण वटि जेके सुठा जेके सहाफ़ी पाण सां गॾु खणंदा उन्हनि जो पंहिंजो मक़ामु उनजो मयारु ऐं उनजो नालो कॾहिं बि ख़तमु न थींदो छो त ईंदड़ दौर में जेकी आहे उहा अञा बि वधीक इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज़म वधीक अहमियत अख़्तियारु कंदो सोशल मीडिया ईअं आहे त फस्ट इंफॉर्मेशन अची वञे थी उते असां बि इलाही ख़बरूं अहिड़ियूं आहिनि जेके सोशल मीडिया ते हाणे वठूं था टी वी वारा बि वठनि था

नालो आहे ईअं असां वटि बि सिंधी उर्दू ऐं अंग्रेज़ी मीडिया जो पंहिंजो हिकिड़ो मक़ामु रहंदो प्रिंट मीडिया जो मेन ॻाल्हि जेका सरोई साहबु कई त इन में को शक कोन्हे त जीअं जीअं मीडिया जेको आहे तरक़ी कई त असां वटि जेको आहे उहा मीडिया में जेका तालीम आहे उन ॾां बि माण्हुनि ध्यानु ॾिनो ऐं इदारनि बि ध्यानु ॾिनो हिन वक़्तु जेको आहे इलाही माण्हू पढ़ी लिखी जेको आहे डिग्रियूं वठी मास कम्युनिकेशन जूं आया आहिनि मार्केट में पर जेके जिन माण्हुनि सिलेबस ठाहियो आहे असांजी उनखे रिक्वेस्ट आहे मां उहा यूनिवर्सिटी में बि इहा ॻाल्हि कई हुई उन वक़्त बि कुझु टाइम अॻु में त उहे जर्नलिज़म जेको हक़ीक़े थोरो थिए थो या जेको प्रोफेशनल जर्नलिज़म आहे या जेको प्रैक्टिकल जर्नलिज़म आहे उनजा चैप्टर बि उन में इंक्लूड कनि त जीअं जेके छोकिरा हुतां असां वटि था इंटर्नशिप जे लाइ त ठीकु आहे उन ख़बर थी ठाहिणु अचे पर एतिरो त अचे त सोशल मीडिया रन करणु अचे छो मीडिया सेक्शन बि आहिनि प्रिंट में बि इलेक्ट्रॉनिक में

या सिर्फ़ु जेको आहे नेशनलिज़म खे सपोट करे थी पर सिंधी मीडिआ जमूरी वैल्यूस के बि सपोट करे थी सिंध में बल्कि पाकिस्तान में हिकिड़े सुठे निज़ाम जी ख़्वाहिशमंदि आहे असांजा साफ़ ई जेको बार बार लिखंदा रहिया आहिनि त जेसिताईं पाकिस्तान में हक़ीक़ी जमूरत न ईंदी तेसिताईं ते ते मुल्क नस्तु रहंदो नस्तु रहंदो नसु रहंदो बल्कि कुझु बि थी पवे हिन करे जेको आहे ख़्वाहिश आहे त जेके दोस्त अचनि हाणे मास कम्यूनिकेशन पढ़ी था उहो अञा कल्ह बि मूंखे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ॿुधायो सरोई साहिब बि हुयो त वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ुदि जेको आहे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उहा मीडिया यूनिवर्सिटी जो इरादो रखे थी यूनिवर्सिटी में इन जो मतिलबु इहो थियो त वधीक हज़ारें जेके आहिनि पढ़ी जेको आहे पर उहे जेके बि अचनि जेके असांजा आहिनि सिंध दोस्ती अचनि आवाम दोस्ती अचनि जमूरत पसंदि थी अचनि मां सम्झा थो पाकिस्तान में तब्दीली घणो परे नाहे थैंक्यू वेरी मच इहा ज़ाली जमूरत पूरी थी सुठे रंग में साम्हूं ईंदासीं इनशा असां साईं हिकिड़ी त जीअं ॻाल्हि पई हले ट्रैडिशनल मीडिया अख़बार प्रिंट ही जेको वेबसाइट्स आहिनि जेके यूट्यूब चैनल्स पिया अचनि जेके बि पंहिंजे तौर ते करंट अफेयर्स ते डिस्कशन पिया कनि नई रिपोर्टिंगू खणी पिया अचनि नया एक्सप्लोर कनि पिया जॻहियूं त गोरमेंट बीका खणी अची उनखे मॉनिटर त करे पई मगरि छा किथे उन्हनि खे फैसिलिटेट बि करे पई एप्रिशिएट करे पई इहो साईं हिकिड़ो आहे वाकई इम्पोटेंट शइ आहे त हिकिड़ी नई शइ आई आहे जंहिंजे ज़रिए माण्हुनि खे रोज़गार बि मिले पियो माण्हू इंगेज बि थिया आहिनि ऐं माण्हुनि खे इन्फॉर्मेशन बि पहुचे थी पर असांजी जेके पुराणियूं पॉलिसीस ठहियल आहिनि उन में इहा का गुंजाइश कोन्हे जो तव्हां न्यूज़ पेपर खां या टी वी चैनल्स खां सवाइ कंहिंखे को एड वग़ैरह ॾेई सघो हाणे जेका पॉलिसी असां ठाहियूं पिया उन में असां हिनखे कवर कयूं पिया

तो कुछ मसाइल भी अपने हैं मिसिंग पर्सन के यहाँ पे इश्यूज हैं यहाँ पे एनएफसी पर फेडरेश फेडरेशन से फटा है यहाँ पे पानी के वसाइल पर उनसे फटा है तो इनका अपना एक नेशनलिस्ट नैरेटिव जिसे वो कहते हैं तो जब सेंसरशिप की बात आती है तो आपका क्या ख्याल है कि जो नेशनल मीडिया अपने आपको क्लेम करता है वो ज़्यादा मुतासर होता है या इस किस्म का मीडिया ज़्यादा मुतासर होता है देखिए इससे पहले कि मैं उदूम शुरू में मैं बात करना चाह रहा था हमारे आज एक सिंधी मीडिया के बहुत मोतबर सहाफ़ी जान खास खेली का इंतकाल हुआ है अल्लाह उनकी मफफरत करे इसी तरह बहुत से सेहफ़ी हमारे जो मारे गए हैं मैंने ख़ास तौर पे क्योंकि उस बीच में दो तीन सहाफ़ी पिछले पिछले चंद माह में मारे गए मैंने मैंने अज़ीज़रहान केस की काफ़ी तहकीक़ की और हैरानगी मुझे ये हुई कि इससे हट के कि उसमें जाहिर एक पॉलिटिकल एंगल भले आ गए उससे हट के भी अज़ीज़ मेमन की बात कर रहे हैं अज़ीज़ मेमन सॉरी अजीज़ मेहमन उसका जो पहला पोस्टमार्टम हुआ वो एक स्वीपर ने किया था और जो दूसरा फिर पोस्टमार्टम हुआ तो उसके उसके नाखून के गोश से डीएनए मैच हुआ लेकिन उसमें जो जो इस वक्त गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके प्राइम सस्पेक्ट को मुल्क से भगा दिया गया और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा ये केस और ऐसे बेशुमार केसेस हैं ओवरऑल उसमें दूसरा जो आपका सवाल है देखिए जो इदारे सेंसिटिव होते हैं वो किन इश्यूज पर होते हैं जाहिर है उन्हें ये अंदाजा है कि कि सिंधी मीडिया में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं और जो सिंधी मीडिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उन्होंने लोगों को अपने एम एन के सामने सवाल करना बता दिया वो सवाल करते हैं अपने एम एन से और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम और एम को पकड़ें उनसे सवाल करें कि आपके इलाक़ों में काम क्यों नहीं हुए उसमें यही अब यही मेरा और आपका रोल है कि हम हम लोगों में शौर उजागर करें उसमें और वो सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि उन्हें पता है कि कि ख़ास तौर पे सिंध के अंदर बलूचिस्तान के अंदर और मैं आपको बताऊं जब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स हमने की थी तो उसमें उनका उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सबसे ज़्यादा जो पोलिटिकल अवेयरनेस हमें नज़र आती है जो जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है वो या तो हमें सिंधी मीडिया के जर्नलिस्टों में नज़र आती है या बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनमें नज़र आती है उनके क्वेश्चन उनके क्वेश्चन आंसर तो मेरा ख़्याल है उनको ज़रूरत किस चीज़ की है और यही मैं जब मैं हम बात करते हैं मीडिया हाउसेस की मालकान की कि आपके पास इतने इतने वसाइल हैं कि आप इनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है इनकी इनको इनको जो है अच्छी आप किसी एक जर्नलिस्ट को अगर अच्छी तनख्वाह नहीं देंगे तो वो उसकी कंसंट्रेशन अपने घर पे घर को देखेगा वो या ख़बर को देखेगा तो ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग और आप ज़ाया कर रहे हैं एक ऐसी जनरेशन को ज़ाया कर रहे हैं कि जिसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है जिसने स्ट्रगल की भी है और देखी भी है जिसने एट्टी में फौजी ऑपरेशन भी देखा है उसने टंडो भावल भी देखा है उसके उसके बाद उसने थोड़ी फाटक केस भी देखा है उसने वो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जेलें भी काटी हैं उसने सहाफ़ियों की तहरीकों में भी हिस्सा लिया है उसको अगर आप वसाइल नहीं देंगे उसको अगर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आप अपनी एक जनरेशन को ज़ाया कर रहे हैं और ये जो जो हमारी जब सेंसरशिप लगती है जो प्रेस एडवाइज़ आती है जो मीडिया एडवाइज़ आती है उनका टारगेट ही वो जर्नलिस्ट होते हैं कभी वो मिसिंग हो जाते हैं कभी वो किसी और तरफ चले चले जाते हैं तो ये जो इश्यूज़ हैं ये इस वजह से हैं और मेरा ख़्याल है कि जो जो इस वक्त चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो या मालकान के लेवल पे हो इस जनरेशन को बचाने की ज़रूरत है इन सहाफ़ियों को बचाने की ज़रूरत है इनके वसायल को आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे और यह बात सईद गनी साहब ने बिल्कुल ठीक की कि देखिए इस वक्त प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज चैलेंज जो है वो फेक जर्नलिस्ट हैं जब ये फेक जर्नलिस्टों की भरमार होती है तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पीछे रह जाते हैं इसलिए कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा वो खबर के पीछे जाएगा वो पैसे के पीछे नहीं जाएगा इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको हम इनको हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी दें ट्रेन भी करें और इनके इनके अखबार तो बहुत पोटेंशल है सिंध के अंदर बलूचिस्तान के अंदर खैबर पखतुखा के अंदर बहुत पोटेंशल है सिर्फ इसको गैदर करने की ज़रूरत है बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब हाँ अस कोशिश टाइम बचवा उनमें क्वेश्चन पूछ ही सकूँ जी मेरा नाम हमीदा नूर है और मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है Uh, मेरा सवाल मज़र साहब से है उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की ख़बर जो है वो वहाँ का जागीरदार है वो सरदार है वो वहाँ से जो है वो नहीं करने देता मेरे ख़्याल में हम आपने काफ़ी इनकसारिक का मुज़ाहरा किया है शायद वो वहाँ का जागीरदार और सरदार वर्दी वाला है uh, वही है जो जी मज़र साहब शायद उसी की वजह से जो है वो ख़बर यहाँ तक नहीं पहुँचती अभी भी हमारा एक नौजवान तुरबत से कोयटा तक लॉन्ग मार्च करके आया है और बारह बाईस दिन जो है उसने किया है बाईस दिन से वो अकेला चल पड़ा है वहाँ से लेकिन कहीं पे मीडिया में उसकी कोई ख़बर नहीं आ रही सिवाय बीबीसी के आज उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है तो क्या वजह है कि वहाँ पे मस्क लाशें भी मिलती हैं वहाँ पे जो है ला, ला, नौजवान लापता हो जाते हैं इवन कि अभी इस्लामाबाद में भी एक धरना चल रहा है उसकी भी कोई कवरेज नहीं हो रही होती तो ये अगर वहाँ पे एक सेंसरशिप है तो सेंसरशिप बहुत सारी चीज़ों पर है वहाँ पर तो आपका साफ़ी एंकर सब बात करता है लेकिन बलुचिस्तान पर आके एक चुप्पी लग जाती है तो इस yeah. पर थोड़ी सी बाजार मुझे नाम राज एन मो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मास्टर्स कहला मुझे सईद गनी साहब सा सिर्फ इकड़ो क्वेश्चन आ तँ सिर्फ सिंधी मीडिया में सर्वे करवाया कराया तो उतने वेजती या न जी, जी मदरसा पहले आप कर, जी बेटा मैंने जब बलूचिस्तान का जिक्र किया था तो मैंने स्टार्ट ही सदन कमांड से किया था मैंने आपसे कहा था कि जहाँ जब बलूचिस्तान में जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको सदन कमांड का भी सामना करना पड़ेगा और बलूचिस्तान बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट और मैं आपको बताऊं कि मैंने मैं ख़ुद जब एक्सप्रेस में था तो वहाँ मुनिज़ जहांगीर साहिबा जो थी हमारी कुलीग थी, वो बलूचिस्तान में जा के उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई मैंने वो रिपोर्ट रोक दी वो बड़ी बहुत अच्छी मैंने कहा आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है मैं ये रिपोर्ट इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि मैं ये बलूचिस्तान के ब्यूरो का ख्याल है क्योंकि हम और आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस बलूचिस्तान के ब्यूरो को भुगतने पड़ेंगे बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट काम कर रहा है आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस भी दूसरे लोग लगवाते हैं उसके जो जो सब एडिटर्स हैं और बलूचिस्तान वाहि सूबा है कि जहाँ के सिर्फ रिपोर्टर्स अंडर थ्रेट नहीं होते वहाँ के जो लोग डेस्क पर काम कर रहे होते हैं मुझे जाती तौर तो पे पता है और जब ये बलूचिस्तान में एक मरतबा जर्नलिस्टों ने वहाँ खबरें लगानी शुरू की तो नौ अखबार के ऊपर एंटी टेररिज्म का केस बना और वो केस बलोचिस्तान हाईकोर्ट में गया और उस वक्त बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजीसा थे और उन्होंने ये कहा कि आप ये ये जो मुख्तलिफ़ कलदम तंजीमों के बयान क्यों लगाते हैं तो उस पर वहाँ के एडिटर्स ने कहा कि जी हम अगर हम एंटी टेर्रिजम केस तो बगड़ सक सकते हैं लेकिन अगर हम ये ख़बरें इनकी नहीं लगाएं, तो क्या आप हमारी जान की जमानत दे सकते हैं वो केस वो केस जो है वो इस हद तक गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अखबारत के ख़िलाफ़ फैसला दिया यानी आप खौफ का आलम देखें कि इतने बड़े बड़े फोरम पर भी जो जो ब्या जो आया है वो अखबार के खिलाफ आया किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी तो इसलिए इसलिए जब मैं कराची में बैठ के अगर मैं बलूचिस्तान के अखबार या बलूचिस्तान के ब्यूरो को कहूँगा कि तुम वो ख़बर दो तो मैं तो सेफ हूँगा लेकिन मारा वो जाएगा तो जब तक रियासत उसको प्रोटेक्शन नहीं देख सकती तो हमारे जो बलूचिस्तान में ब्यूरोस काम कर रहे हैं जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी का कम से कम मुझे ज्यादा ख्याल है मैं अगर वहां मेर, मेरी कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं है लेकिन जब मेरी एग्जीक्यूटिव पोजीशन थी तो मैं बताऊं जब मैं ए आर वाई का डायरेक्टर न्यूज था तो मुस्तफ़ा तरीन ए आर वाई के वहाँ ब्यूरो चीफ थे उन्होंने खबर दी और मुझसे कहा कि आप इस खबर को चला दें मैंने कहा तरीन मैं खबर चला देता हूं लेकिन तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंस कहीं ना भुगतने पड़े उन्होंने कहा चला दें मैंने चलाई मेन बुलेटिन में, में चलाई उसके पांच मिनट बाद उसका फोन आया कि इसको अगले बुलेटिन में ना चलाएं तो मसला यह है कि वहां बलूचिस्तान में जो सहाफी हमारे काम कर रहे हैं चाहे वो कोयटा में हो उसके दीगर शहरों में वो जिस अंदाज जिस तरीक़े से काम कर रहे हैं उसको गनीमत जाने जब तक रियासत प्रोटेक्शन नहीं देगी जब तक मीडिया मालकान उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर नहीं करेंगे उनको उनको इंश्योरेंस नहीं होगी उनके पास लाइफ सिक्योरिटी नहीं होगी हम इस उसमें वहाँ के इश्यूज़ को और ये बात आपकी बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट दुरुस्त है जी क्या हम बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करते हैं हम सरायकी सरायकी बेल्ट को नजरअंदाज करते हैं हम खैबर पख्तनख्वा के उन इलाकों को नज़रअंदाज करते हैं कि जहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं हम बाकी तो छोड़ें हम कराची में लियारी को नजरअंदाज करते हैं तो ये 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 अर्बन ओरिएंटेड मीडिया है और अर्बन ओरिएंटेड चीज़ों को उजागर करते हैं जी आ, आ, दूसरा क्वेश्चन सईद धनी साहब वेजेस के तो कैसे इंश्योर ये कहा है कि सर्वे करा लें देखें हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो मिनिमम वेज को देखने की है वो सिर्फ अखबार तक तो महदूद है नहीं वो हर जगह है लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ बजाय इसके कि आप हमें ये कहें कि हम पूरे सुबह सिंध के अंदर 50 लाख लोगों का के सर्वे करें ये ज़्यादा बेहतर नहीं 50 आदमी मुझे दरख्वास्त दे दें कि हमें नहीं मिल रही है ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा जी आ, बाँ आज़ाद बाँ एक मां मंजूर शेख है न पास बैठा आप राइट एंड साइड तक एक्सट्रीम राइट थे एक्सट्रीम राइट थे <laughs> <laughs> मज़र भाई आ, मेरे ख्याल में है कि कुछ चीज़ें हैं सवाल सवालों के नस्बत में बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों ने ऐसी कही हैं जिनको थोड़ी थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है मेरा ख़्याल है पहली बात यह है कि फेक जर्नलिस्ट की बात की आपने फ़ेक जर्नलिस्ट को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है मेरा ये ख़्याल है कि उर्दू अखबार के सिलसिले में भी मैं अक्सर सुनता हूँ लेकिन चूँकि मोस्टली मेरा तजर्बा जो है वो सिंधी अखबार का है क्या एक सहाफ़ी जो अपना महीना अगर जर्नलिस्टिक कंट्रीब्यूशन से गुजारता है अगर वो सहाफ़ी है तो सिंध में मेजॉरिटी पीपल जर्नलिस्ट नहीं है उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट को भी बैठ पता है सईद गनी बैठे हैं यहाँ पे। इनकी गवर्नमेंट ने चंद साल पहले एक सर्वे किया था ख़ुद एक्सरसाइज की थी कि कितने जर्नलिस्ट हैं जो बेसिकली टीचर्स हैं और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं डू यू थिंक वो रियल जर्नलिस्ट हैं आई डोंट थिंक सो उसके बाद आए कि आपने बात की कि जी सिंधी इदारों में यूनियन नहीं बन सकती मैं सवाल पूछ रहा हूँ हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू डोंट हैव रियल जर्नलिस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग यूनियंस मैं के में सीरियस एफर्ट करके बहुत सारे लोगों से बात की याद होगा आपसे बहुत सारी मेरी गुफ्तगु रही है सिलसिले में प्रेस क्लब में वही हैंग फॉर दैट लेकिन जिस पे हाथ रखो वो सरकारी मुलाजिम है या कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है दूसरी बात ये है कि हमारे पास रियल जर्नलिस्ट की अगर डेफिनेशन ये है कि कोई बंदा अपने जज्बे अपने स्प्रिट के साथ जर्नलिज्म में आया है वही रियल जर्नलिस्ट है आए जो भी इदारों में हेड ऑफिस तो में जो काम करते हैं जो लोग मैं करेक्शन कर रहा हूँ सर मेरे मुझे ख्याल में तो यह अच्छा डाडी इम्पॉर्टेंट है तहा बुदो तहाँ जैसे लाइफ है जो लोग जो लोग हेड ऑफिस में काम करते हैं यह दोस्त मेरे साथ बैठे हैं न्यूज़ डायरेक्टर्स का काम क्या है उनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीचर्स हैं भाई और दूसरी बात है कि एक नया ट्रेंड है कि अब मालकान ऐसे लोगों को अपने पास मेन पोजीशंस पे रखते हैं जो उनके पर्सनल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप किस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं? आप चले जाए इंटीरियर सिंध में मैं कहता हूं कि कभी सर्वे कराएं कि सिंधी जर्नलिस्ट सिंधी मीडिया में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनके असिट्स तो देखें आप साईन के पघार भुख जी, जी था मरन शहीद गनी साहब बैठो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसका यूज तो सईद गरीब साहब को अगर नहीं पता है तो मुझे हैरत होगी लेकिन जो गवर्नमेंट ने काम करने हैं वो नहीं करती यार क्यों नहीं करते आप मुझे पता ये मेरे ख्याल में ये एक और क्वेश्चन ले लें फिर साथ में जवाब दे दें जी आप तो क... भी साफ ही कहें भी हुकूमत के जाली जब चाहिए सके तो पेरों सवाल

असां वटि छोकिरियुनि जे करे कोन थियूं अचनि त मीडिया में छोकिरियूं न आहिनि या मास्क कम नथियूं पढ़नि मास काम छोकिरियूं पढ़नि थियूं हिन वक़्तु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में का बि हिकिड़ी छोकिरी सिंधी मीडिया में रिपोटर नाहे ॿियो इहो त क्राइटेरिया कहिड़ो हूंदो आहे जेको हिकिड़ो छोकिरो आहे ग्रेजुएट थी अचे थो मास्टर्स करे अचे थो यूनिवर्सिटी मां चारि साल पंहिंजा यूनिवर्सिटी में पढ़े थो सोरहं साल अरिड़हं साल जी तालीम खां पोइ हुनखां जेको माण्हू इंटरव्यू करे थो उनजो क्राइटेरिया छा हूंदो आहे उहो माण्हू कहिड़ो मैं आपके सवाल का भी एक जवाब दे, दे देता हूँ मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ पहले आपके सवाल का सहाफ़ी की एक बहुत वाज डेफिनेशन है और मैंने चालीस साल में मैं पूरे एतमाद से ये बात कह रहा हूँ मेरी पूरी मनी ट्रेल मेरी तनख्वाह है इसके अलावा कुछ नहीं है और, और यही सहाफ़ी होता है कि मेरी तमाम तर आमदनी और उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि मेरी तमाम तर आमदनी सिर्फ मेरी तनख्वाह हो अगर मैं पार्ट टाइमर हूं सहाफत में पार्ट टाइमर कोई नहीं होता सहाफत में पार्ट टाइमर हो ही नहीं सकता मैंने प्रेस क्लब का सेक्रेटरी था मैंने उन लोगों की मेंबरशिप ख़त्म की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज थे और ऐसे नहीं ख़त्म की उनकी पे स्लिप्स निकाल के ये नहीं हो सकता कि आप वाटर बोर्ड के एम्प्लॉ हों आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉ हों उसकी वजह यह कि वहां कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जा जाता है कि आप अपनी प्रमोशन के लिए अखबार में उनके उस डिपार्टमेंट के खिलाफ खबर लगा देते हैं यह हमने देखा है ओवर द रियर लेकिन इसका भी हल मालकान के पास है आप रखते हैं ना और आपने जिस तरह बात की इसमें जर्नलिज्म की डिग्री की जरूरत नहीं है सहाफत में यह सबसे जरूरी है कि आपकी जबान जो है उस पर आपको कितना अबूर हासिल है जबान के ऊपर चाहे अंग्रेज़ी हो उर्दू हो सिंधी हो कोई भी जबान हो अगर आप अगर आप सिंधी अखबार में काम कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये हो कि आपको अच्छी सिंधी लिखनी आती हो अच्छी सिंधी बोलनी आती हो ताकि आप कॉन्वर्सेशन कर सकें ताकि जब आप कॉलम लिख रहे हैं तो आपकी ज़बान में वो श, वो चीरी हो तो बेसिक डेफिने ये नहीं है कि आपके पास एम की डिग्री है बी की डिग्री है आपको पता है गुलाम अली डॉन अखबार के बहुत मशहूर क्राइम रिपोर्टर थे वो एक वो एक क्लास भी नहीं गए थे लेकिन उन्हें सत्रह जबाने आती थीं तो ये ये बेसिक जर्नलिज्म का क्राइटेरिया ये कि आपको अपनी लैंग्वेज पर कमांड हासिल हो ताकि आप आपका फ्लो नज़र आए उसके अंदर चाहे आप खबर लिख रहे हों या कॉलम लिख रहे हों लेकिन जर्नलिज्म में ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी होल सोल आमदनी उसकी तनख्वाह पे हो गुजारा हो और उसको तनख्वाह जो है वो महीने में मिले ये नहीं कि छः महीने में उसको एक तनख्वाह मिले मुझे बताया जा रहा है कि टाइम खत्म हो गया है मानना चाहता हूँ कि मेरे पास इतना ही टाइम था जो दोस्तों के साथ शेयर किया मगर यह है कि मीडिया अगर जवाबदेही मांगता है सोसाइटी से और तो मीडिया को भी जवाबदा होना चाहिए आवाम के सामने तो बहुत बहुत शुक्रिया